जैद आप अंदर चले जाएं। वो जो मिरर है उसकी पैकिंग नहीं है तो जैद को इस तरह रखना पड़ेगा इसके अंदर। No. Oops. Yeah, this. Oh, nice. Let me come out. I think. Haldi. Kashmir. ये देखें, ये फ्रेम खाली जो लिया है ना, इस ये आना ही नहीं था किसी उसमें, इसी वजह से ये ट्रक। और खैर वो दूसरा शीशा भी नहीं आना था मेरे ख्याल, वो भी बहुत बड़ा है ना, वो भी नहीं आना, बगैर ऑप्शन था ही नहीं। तभी मैं जैद से कह रही थी कि ये आप ट्रक की ले लें, बड़ा जैद का तो था कि जी वैगन में आ जाएगा, पर नहीं। चले, दैट्स गुड जॉब जैद, हो गया सब कुछ। बहुत स्लो से जाएंगे, आज 6 आइटम थे, हो गए। गुड जॉब। वो मिनटों में काम हो गया हमारा, जैसे ही हमने ये, शुक्र है वो बाहर ही मिल गए, वरना मैं अंदर जाती मिलते जैद तो अभी ठीक ही हो रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है सारा काम बहुत चल रहा है। इतना होता तेरे, तू अखी देखी है, करो कुछ बंदा बैठे उन को भी मिल देगा कुछ कंबल, कुछ चादर, कोई एरा वगैरह, मैंने क्यों पता इस टाइप के खुले इस तरह। अगर पैकिंग में हो, मैं तो पैकिंग समझ रहा हूँ ना, हसन हल्की सी चीजें वो रखवाई भी उन्होंने, अगर बजनी होती फिर सांस नहीं पूछना, और पीछे लोगों ने ध्यान ना रोड का है ना चलने, उसका अफसोस है कभी इसकी इसकी थोड़ी बहुत भी रगड़ लगेगी तो चीज खराब होती है। मैं वहां से घर से चादर नहीं, अच्छा घर छोड़ो, युवाहल वाले चादर नहीं देते, कंबल नहीं देते, ले लेते आप, ये तुम्हारा काम था। मेरा क्यों काम था भाई, लिए ट्रक आपने, मेरा काम ऐसे ही था बिला वजह, तो जरूरत के मैंने कहा ये पैकिंग में सब कुछ है, हाथ पैर लटकांदे आ गए, और गड्डी नहीं, और गड्डी स्टार्ट हो गई कि नहीं, थर्ड क्लास स्टोर से आ गए, जो सब चीजें हैं बगैर पैकिंग के। अच्छा चलो, और कंप्लेन करें, और आपने बहुत दिन हो गए कंप्लेन। अच्छा फिर दूसरी बात भी, मैंने साथ ठीक हो जाएगा, बोलना रुकेंगे तो सांस रुकेगा। तो फिर ये क्यों क्या के नहीं, कल ओदे भी जितने कार्टन हैं जिसमें वो पैकिंग में आएंगे, ओते सोफे आने जड़े नहीं सुनो, तो उसके साथ ही हम इकट्ठे फेंकेंगे। ओ सोफे, ओ आने हैं सोफे, ना ना ना, मेनू पहले दा कार्टन दिखाओ कितने, तो मैं अभी कार्टन के पता लगेंगे जब तोड़ोगे, तो अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, चुप करके चलो, ऐसी जगह से चीजें लेंगे, थानू घूमने बस टाइम चाहिए बस। अच्छा निकलना किधर थी, है कोई जगह, और इसमें कैमरे लगे हुए हैं, हाँ कैमरा है, पर मैं ये देख रहा हूँ, बस इस तरफ से निकलना है, यहाँ से रास्ता है, बस आप पीछे देखें कुछ है, मैं देख रहा, तू छाड़ दे, तू ड्राइविंग ना कर, जिदा मेनू कहंदे हुंदे सीट दे पीछे बैठ के ड्राइविंग ना, एक्चुअली तो यहाँ खान दी खान कैफे था, चाय पीने, तो मैं करो चाय, मैं कभी ऐसे पीता हूँ चाय, पहले घर सामान पहुँचाओ फिर बाद में देखेंगे चाय पियो, फिर इस तरफ आएंगे चाय पीने, नहीं जो मर्जी हो, जो काम बीच में अटका हुआ हो, गाड़ी की ये बेल्ट लगाओ, चुप करो, अच्छा शोर हो रहा है, बेल्ट नहीं लगाया मैंने, नहीं तुम अपना लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, आसा छेती तोर, छेती तोर, तेरे नाल यानी वाक करके मैंने मजा नहीं आता, तुम सिलो हो जाते हो, और मैं कहना ब्रिंस वाक होनी चाहिए, ब्रिंस ब्रिंस समझ नहीं ना, तेज तेज वाक, मैं कहा हो सकता कि तालीम तो काफी फैक्टर पार्ट प्ले करता ब्रिंस, इस करके मैं कहता कि जरा छेती दूर कर, तो देखे माशाल्लाह हम अपने वाक को कोशिश करके कंटिन्यू कर रहे हैं, सुबह का तो 100% हेल्दी वो भी कंटिन्यू है, अब कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उसके बाद देखें रिपोर्टर साहब आएंगी, उसके बाद क्या कहता फिर देखेंगे कि हेल्दी करना बेहतर है, बेहतर है, इतना खराब है, दो हफ्ते इतना अच्छा रहा जब हम आए, अब कल परसों से इतनी ठंड हो, ठंड हो गई बहुत ज्यादा, विंटर क्लोथ पैक कर रहे थे और फिर छोड़ दिए, आज मैं सोच रही हूँ कुछ पैक करूँ, अभी थोड़ा वेट कर लो, और जैकेट बड़ी वाली तो कर दो ना, परसों थोड़ी थोड़ी वो नहीं फ्लरीज भी शुरू हो गई थी, हाँ वो तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। अच्छा चलो ठीक है, देखते वाक कंटिन्यू इंशाल्लाह, एक ही टाइम अभी हो रही है, दूसरा टाइम नहीं हो पा रही जैसे हम एक जमाने में पहले करते थे ना, वो छोटा सा बेबी आया, छोटा सा बेबी आया।
Oh my God, so pretty. Oh, tired हो गए, tired हो गए, tired हो गए, tired हो गए. So much tired. So pretty. Oh my God. इसका appointment था दायरा का, नहीं था, भूल गए. उसामा भी वो नम्मू से दायरा ही निकलता. हाँ. Only baby. Only baby. So cute. So cute. वाह भाई. So cute. हाथ पकड़ लो, बदाता का हाथ पकड़. Oh my God! ये तो पोचो चोचो ची बेबी चोचो चो बेबी चोचो चो बेबी लव यू सो मच मम 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 अच्छा इसको ऐसे थोड़ा सा यू करो ये ऐसे ज़्यादा नहीं करता ज़्यादा कहते हैं बच्चे को जोर से नहीं ऊपर लेके जाने और शेक ऐसे शेक तो बिल्कुल ना करें छोटे बच्चे को सो हैप्पी चल अच्छी आई अच्छी आई हंस रही है हंस रही है मुबारक हो गाड़ी की भाई माशाल्लाह 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 आई सॉ द पिक्चर यू शो या दिखाओ नहीं कैमरा में नहीं दिखाया अभी अभी तो पप्पा की एंगर नहीं खत्म हो रही वो तो बेबी आ गई माशाल्लाह किस्मत में करे अल्लाह किस्मत में करे माशाल्लाह मुझसे बैठा हुआ एक मशवरा थोड़ा बंदा पॉजिटिव दे सकता है ये गाड़ी अच्छी है ये नहीं अच्छी है ये लेनी ये नहीं लेनी एक लेक्सस ऑलरेडी थी तो आपने दूसरी क्यों ली अच्छा बेची मेरे बगैर कैसे बेची थी हो नहीं सकता की मुझसे डिस्कशन किए बगैर उसामा गाड़ी नहीं ले लिया He was working in the garage and came in. He said, "Hey." नहीं थोड़ी देर के लिए तो मुझे गुस्सा आया मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार मेरे मित्र बात की मुझे शेयर की चलो शेयर ही करो पूछ ज़्यादा कह रहे मैं परसों तो उधर था कोई बात ही नहीं की मैंने कहा पता नहीं कुछ तो हुआ होगा मैंने कहा सिर्फ एक रीजन उसामा मामा से मैंने कहा कि अगर ये लिया है उसामा ने गाड़ी तो एक रीजन है मैंने क्या कहते क्या मैंने कहा हो सकता है किसी ने रिंग को हाई तरह क्वालिटी की वो बनवा ली है अब उसके बाद पैसे पूरे नहीं उसने कहा होगा गाड़ी ले इसकी कीमत गाड़ी की मतलब मार्केट के हिसाब तय करके ये ले लो और मुझे रिंग दे दो मैंने कहा इस किस्म का कोई इशू बना इसमें तो वो रिंग देने फिर अपनी दुल्हन को क्या जाता ऊपर पे जाता वो नहीं जो भी है वो दूसरी गाड़ी लेता है रेंटल लेता है लेकिन ये मेरे जेहन में यकीन करो मैं ईमान से मम्मा से कहा ये एक ऑप्शन हो सकता है और अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो मैंने कहा उसकी बचत है और अगर ऐसा नहीं है ना मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इसको ऐसे कैसे हो सकता है चले अच्छा नई गाड़ी देखे जाके बाहर अब गाड़ी देखते हैं चले जी मैंने कहा फिर भी चलो भले कंपनी ने अच्छी सर्विस है उनकी लेक्सस वालों की ब्रैम्पटन की जो लेक्सस ब्रैम्ली लेक्सस कहलाती है ये टोर बराबर क्वीन स्टेट्स के ऊपर है तो आप देखें ये गाड़ी का काम उनसे कराता है तो उनके रिकॉर्ड में सारा था तो उन्होंने कहा जी आप गाड़ी छोड़ जाओ और ये हम आपको ये देखें ये इनके पास 15 या 20 है 20 डीलरशिप इटालियन लोग हैं लेकिन अच्छा तो ये 350 वही फर्क सिर्फ इसमें कि ये हाइब्रिड है उसामा की भी आपकी मेरी हाइब्रिड नहीं है लेकिन आरएक्स है आरएक्स हाइब्रिड नहीं है हाइब्रिड नहीं है यही तो लेकिन ये दिस इज द ब्रांड न्यू मॉडल माशाल्लाह आप उसमें लिस्ट में आइंदा के लिए लेकिन एक है जब दूसरी डिफरेंट होनी चाहिए नहीं लगा बंद नहीं हुआ चलो गुड चलो मैं इसी बहाने देख लेता हूँ गाड़ी को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है हाँ हाँ थोड़ा सा उसका
बड़ी स्पेस बड़ी है, स्पेस बड़ी है इसमें मैंने देखा। ये पता नहीं किसने कहा था कि 7 सीटर थी एक्चुअली, तो उन्होंने फिर उसके बाद 5 सीटर कर दिया, तो इसीलिए लंबी ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है इसमें। आपने बताया था मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे सर्विस बहुत अच्छी लगी। सर्विस में देखे जो मैं सर्विस पहले सर्विसिंग पे गया राइट, ज्यादातर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन रश में था तो मैंने कहा, यूजुअली मुझे $1,000 लगता, लेकिन मेरे 1800 लग गया उस वक्त। मैंने कहा छोड़े मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ऑफर की, वो कहते हैं कहीं आपको जाना है, मैंने कहा देखें मुझे ऑफिस जरूरी जाना है, अब मैं उबर करूंगा, वो कहते हैं नहीं नहीं डोंट वरी। उसका उनका मैनेजर आया मुझे लेके टोरंटो गया, टोरंटो आपको पता है क्या 1.5 hours 1 hour रश भी होती है जाने में, और रश आवर में वापस भी लेके आया, तो छोड़ के चला गया 2 hours later फिर वापस आया। तो कवर हो गया, देखें 250 तो इसमें लगे आते हैं राइट। और दूसरा आज उन्होंने आपको रेंटल दे दी, जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा $300 का जो फुल डिटेलिंग जिसको कहते हैं, जो पूरा दिन लगाते हैं, पूरा दिन वो कहते हैं, वो भी आपके पैकेज में डाल दिया, एक पैकेज ठीक है। और जब मैं आज में लेके गया तो ये तो मे बी 3-4 महीने पहले की बात है, आज जब लेके गया तो उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे लोनर देंगे, मुझे पता था मैंने, तो वो कहते हैं पूरा दिन नेक्स्ट डे 12 PM तक आप रख लो। और वो अपने तो मैंने जो पॉइंट बीइंग जो 600-800 मेरे जो एक्स्ट्रा लग गए वो तो इधर कवर हो गए। आमतौर पे क्या होता है कि शटल इनके पास वो ड्रॉप कर देते हैं घर से, कई मरतबा ज्यादातर बड़े जो डीलर्स हैं अच्छे डीलर्स वो ड्रॉप करते हैं पिकअप, जब आपने पिक करना करना गाड़ी तैयार है आप कहते हो मेरे पास कन्वेंस नहीं है मुझे पिक कर लो घर से पिक, इतना तो है घर से पिक एंड ड्रॉप तो कर लेते हैं, लेकिन ये टोरंटो छोड़ने जाना लेने जाना और आज ये रेंटल वैसे ही दे देना बड़ी बात है। ये क्या कह रही है ये बेबी, क्या कह रही है आसमान बेबी क्या, हाँ इंजेक्शन लग गया, ओ वाह ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा। ये लेक्सस वालों ने देखा बेबी साथ था, ये टॉय भी दे, कमाल की सर्विस है इनकी भाई। फिर मैं बताऊं ब्रैम्पटन में टोरब्रा और क्वीन अच्छा ये हो गया जी 137 inches ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 17 inch ਠੀਕ ਹੈ 17 inch ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ 17 inch ਉਹ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ 16 inch ਪਹਿਲਾਂ 16.5 inch ਠੀਕ ਹੈ 16.5 ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਲੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਹਾਂ ਪੇ 3 ਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮੇਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਉਧਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਆਪ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ 16.5 inch
डेढ़ फुट रखी है तो नहीं नहीं विंडो तो उच्चा रखना बस 18 इंच तो फिर काफी उच्चा से चल फिर की 10 से कितने इंच का रखा हो तू आपने उसका तो हां हां की थी ना तो हम 10 सेंटर में जाके मैंने लाइन ऊपर कर रखी है बीच में चली जाएगी आपको नजर नहीं आएगी कि ये सेंटर वाली लाइन है वाली सेंटर वाली के लिए लाइन निशान लाया और सो दोनों और जो तो इधर निकल के चुन दे तो बंदे दिमाग ने शॉट करे 16.5 इंच ठीक है 16 इतनी सीधी नहीं लगेगी नहीं सेंटर वाली दो तो लग जाएंगे अच्छा 16.5 इंच डेढ़ फुट रखी है चल फिर की 10 से कितने इंच का रखा हो तू आपने उसका तो हां हां की थी ना तो हम 10 सेंटर में जाके मैंने लाइन ऊपर कर रखी है बीच में चली जाएगी आपको नजर नहीं आएगी कि ये सेंटर वाली लाइन है वाली सेंटर वाली के लिए लाइन निशान लाया और सो दोनों और जो तो इधर निकल के चुन दे तो बंदे दिमाग ने शॉट कर दिया इसके पीछे जो फ्रेम है क्या कहना चाह रहे हैं जैसे ये देखें लगाओ और इसको सीधा उसके ऊपर ऐसे हैंग कर दो ये आसफा ये कह दी सही है जितना मर्जी करा क्योंकि ज्यादा कोई हैवी वेट नहीं है इसलिए इसको लगा सकते हो ये हुकों पे तो कल उसमें बाकी मेजरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आनी है मेरे हिसाब से थोड़ी ऊपर चली गई है ये थोड़ी तो अभी तक सना का कॉल बैक वापस नहीं आई कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना ये देखो इसके देखो कोई उसके हिसाब से भी हमें जब अपने भी तो देखो कम से बहुत ज्यादा होता है ये जो इसका वाटर है ना इसके लेवल में यूं आती है अब इसके वाटर से ये 1.5 इंच ऊंची है इस पे आती या इसका जो बॉटम है इसके लेवल में आती इसका टॉप फिर अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है ये लोग कमेंट देंगे देखे उसमें बताएंगे समझ आएगी नहीं फिर ये पूरा कमरा ये देखो जैसे ये इसका बॉर्डर दीवार का कितना फासला उसका कितना फासला और ये सीनरी का भी वही फासला ये अच्छा लगता है बाकी आप लोगों की मर्जी भी